बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स आपसे मेरी गुजारिश होती है, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन टच कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो व्यूअर्स, मैंने जैसे कि आपको पता, मैंने अपना नाम चैनल का नाम कुक फ्रॉम होम से चेंज करके मैंने आस पास के लोगों के नाम से रख दिया। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करना मत भूलें। आज मैं बना रही हूँ इमली की चटनी और आलू बुखारे की चटनी। पहले बनाती हूँ आलू बुखारे की चटनी। मेरी घर में चटनी ख़त्म हुई थी तो मैंने कहा चले आज चटनी बना लें। ये मैंने एक किलो आलू बुखारे लिए और तकरीबन पौने एक किलो के करीब चीनी है। इसमें मैं अब पानी डालती हूँ। तकरीबन मैं इसमें दो मगे भरे जो है पानी के डालूँगी। ये देखें, मैंने चीनी में पानी डाल दिया और मैंने फ्लेम भी जो है मैंने ऑन कर दिया। आज मैं शीरा नहीं पकाऊंगी, चीनी के साथ ही मैं आलू बुखारे डाल दूंगी। ये देखें पूरे एक किलो के करीब है, एकदम ताज़ा फ्रेश वाला आलू बुखारा है, कोई खट्टा नहीं है, बहुत टेस्टी आलू बुखारा है। ये देखें, इसके साथ ही मैंने आलू बुखारे भी डाल दिए और मैं इसे अच्छी तरह शीरे के साथ पकाऊँगी ताकि टेस्टी हो जाए। अब इसमें मैं डाल दूंगी टेस्ट के मुताबिक नमक। हाफ चम्मच के करीब मैं इसमें रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। एक चम्मच के करीब मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ। हाफ कप के करीब मैं इसमें सिरका डाल रही हूँ। सिरका डालने से ये होता है कि आप 6 महीने रखें, साल रखें, ये चटनी भी ख़राब नहीं होती। इसे एक उबाला आने दें फिर मैं साथ ही इमली की चटनी की भी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों देखो, यह हमारी आलू बुखारे की चटनी भी पक रही है। अभी इस शीरे की तार नहीं बनी और देखें पतला ही अभी बहुत ज़्यादा। इधर मैंने इमली का जो पल्स है, पहले इमली मैंने गर्म पानी में भिगो दी थी, फिर मैंने क्या किया इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करके छान लिया। ये देखो अब इसे अच्छी तरह से खुश करूँगी। पहले इसमें मैं थोड़े से स्पाइस ऐड कर लूँ। एक चम्मच के करीब मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल रही हूँ और 5-6 के करीब ना मैं इसमें ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, साबुत वाले, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसे अच्छी तरह से खुश करूँगी। पहले इसमें मैं थोड़े से स्पाइस ऐड कर लूँ। एक चम्मच के करीब मैं इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाल रही हूँ और 5-6 के करीब ना मैं इसमें ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, साबुत वाले, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक चम्मच मैं इसमें रेड चिली पाउडर, हाफ चम्मच के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। अभी दोस्तों मैंने चिकन भी बनानी है, सूप भी बनाना है, पहले ये चटनी बन जाए फिर मैं और चीज़ें बनाऊंगी। अभी मैं इसमें सिरका भी डालती हूँ। दोस्तों देखें, हमारे इमली का पल्स जो काफ़ी थिक हो गया, अब मैं इसमें एक प्याली के करीब सिरका डालती हूँ। और साथ ही इसके मैं अब चीनी डाल दूंगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त चटनी बन रही है। तकरीबन इसमें 1.25 किलो चीनी डालूंगी, फिर बाद में देखूंगी ज़्यादा खट्टी तो नहीं है। ये देखिए मैंने इसमें चीनी डाल दी है, चीनी का भी पानी निकलेगा आपको पता। सब आधा घंटा लगेगा, हमारी चटनी भी तैयार है। इधर देखिए हमारी सूप को भी जो है ना उबाला आने वाला है, मैं इसे छान लूँगी ताकि इसके ऊपर जो ये झाग वगैरह बनी हुई है ये अच्छी तरह से निकल जाए।
दोस्तों देखें चटनी हमारी तैयार हो गई है। मैंने इसमें बादाम डाल दिए हैं और इसका फ्लेम ऑफ कर दिया। इधर हमारी इमली की चटनी भी तैयार हो रही है, ये देखें। जैसे इसका पानी खुश्क होगा, मैंने अभी इसमें सिरका नहीं डाला, चीनी के साथ मैं इसमें सिरका डालूँगी। चले अब मैं इसे एक बाउल में निकालती हूँ, एयर टाइट बाउल में ना निकालती हूँ ताकि ये मैं इसे फ्रीज कर सकूँ। ये देखें सूप के लिए मैंने चिकन भी डाल दिया और मैंने कॉर्न भी डाल दिया। चिकन जो है मैंने हड्डी वाली डाली है ताकि हड्डी का अच्छी तरह से सूप निकलता है, जो बोनलेस चिकन है उसका सूप अच्छी तरह से नहीं बनता। ये देखें मैंने बाउल जो है ना बिल्कुल ड्राई किया है ताकि इसमें से एक भी पानी का कतरा ना हो और चटनी ख़राब ना हो। इस दफ़ा मैं कांच के जार में नहीं डाली क्योंकि सोयाबा वगैरह भी बाजार से निकलती हैं और इन्होंने पहले भी मेरा जो है ना चटनी का जार तोड़ दिया, इसलिए मैं प्लास्टिक का बाउल लेकर आई हूँ। ये देखें चटनी मैंने बाउल में डाल दी है, कितने मज़े की लग रही है। और सोयाबा ने टेस्ट भी किया, कह रही है मम्मा बहुत ज़बरदस्त बनी है। ये देखें सूप हमारा बिल्कुल तैयार हो गया, सब चीज़ें चटनी है वगैरह सूप वगैरह तैयार हो गया। इसके साथ ही हम लोग चिकन अब बनाते हैं। आज मैं चिकन में मसाले नहीं डालूंगी, प्याज वगैरह कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ ब्लैक पेपर नमक और दही में बनाऊंगी। ये देखिए ये हमारा घी गर्म हो गया। अब मैं इसमें ये साबुत मसाले डाल रही हूँ। साबुत मसाले में 10-12 काली इलायची है, 2 बड़ी इलायची और फेजरा। देखिए मसाला हमारा कल पड़ा है। अब मैं इसमें चिकन डाल देती हूँ। चिकन तकरीबन 1.5 किलो के करीब है। इसे मैं ज़्यादा नहीं ब्राउन करूँगी, हल्की सी ब्राउन करूँगी। एक चम्मच के करीब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार होगी और घर के मसाले, ज़्यादा मसाले नहीं, कोई प्याज नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ दही में और ब्लैक पेपर में तैयार होगी। ये मैंने इसमें डाल दिया 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक। बड़ी इलायची इसलिए डाली है कि चिकन की जो है ना स्मेल वो ख़त्म हो जाती है बड़ी इलायची से। ये मैं इसमें 3 चिली डाली हैं, साबर डाली हैं और इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच के करीब चिली सॉस। ब्लैक पेपर मैं इसमें बाद में डालूँगी, वो इस वजह से कि फिर उसकी जो खुशबू है ना वो ख़त्म हो जाती है। अब मैं इसमें दही डाल दूँ। दोस्तों एक हाथ से काम कर रही हूँ, एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ रही हूँ। देखें दही भी मैंने डाल दिया। अब मैं इसे हल्का सा चम्मच चलाकर लो फ्लेम पर रख दूँगी और मैं इसे दही के पानी में चिकन को अच्छी तरह से गलाऊँगी। ये बहुत ही टेस्टी बनती है दोस्तों और खुशबू अभी से इतने मज़े की आ रही है। चिकन का पानी देखिए ड्राई हो रहा है दही का। अब मैं इसमें डालती हूँ, ये देखें साथ इमली की चटनी, आलू बुखारे की चटनी, सूप और ये मुरैन अपने लिए बना रही है चटपटा। ये देखिए चटनी भी हमारी तकरीबन तैयार होने वाली है। ये देखिए तार बन गई है। ये देखिए हुरैन साथ बना रही है चटपटा। चटनी हमारी तैयार हो गई है। मैं इसका फ्लेम ऑफ करके देखती हूँ, ठंडा करके, ज़्यादा थिक ना हो जाए। मुझे तो लग रहा है कि तैयार हो गया। ये देखें इसकी तार नहीं टूट रही, ज़्यादा थिक अच्छी नहीं लगती। और इधर ये देखें
चटपटा भी बन रहा है। चिकन का पानी देखिए ड्राई हो रहा है दही का। अब मैं इसमें डालती हूँ, ये मैंने काट के रखा था, हरी मिर्चें और अदरक। ये डाल दिया, अब मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन एक चाय के करीब ना काली मिर्चें। मुझे इसे ज़्यादा ड्राई नहीं करना, क्यों मैंने इसकी हल्की सी ग्रेवी रखनी है। ये देखो बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। ये देखें दोस्तों हमारी चिकन बिल्कुल तैयार है, और ऐसी ऐसी ग्रेवी रखूँगी, ज़्यादा इसे मैं ड्राई नहीं करूँगी। ये देखिए ताकि चपाती के साथ अच्छी तरह से खाई जाए। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज और शिमला मिर्च, और मैं हल्का सा मिक्स करके इसका फ्लेम ऑफ करके ढक्कन रख दूँगी ताकि शिमला मिर्च गले ना। शिमला मिर्च अगर गल गई, इसका कलर वो हो गया, लाइट हो गया, तो फिर इसका टेस्ट जो है ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए ये हमारी चिकन भी तैयार होगी, और इसके साथ मैंने सलाद में बनाया कचूवा बनाया और दही का रायता बनाया। ये था दोस्तों आज का मेरा छोटा सा व्लॉग, मेरा बिजी डे। अगर आपको मेरा ये अच्छा लगा हो, व्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ शेयर करना और लाइक करना मत भूलें। अपनी दुआओं में याद रखिए। कल तक के लिए हमें इजाज़त दें। आसफा आसिफ के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।